ना धीरता ना रे भैया हरवा दिया ना आपने। शाबाश लक्ष्मी, हमारी टीम को तो जीतना ही था। आहा, तू तो खुश होगी ना, डुग्गू के सामने तो तेरी चलती नहीं। अब लक्ष्मी के जरिए मेरे पोते को अपने कंट्रोल में लाकर अपने अरमान निकालना चाहती है। देखिए लक्ष्मी। अच्छा मम्मी जी, देखिए मुझसे अंगूठी छीनने की कोशिश कर रहे। चीटिंग चीटिंग चीटिंग, कान खोलकर सुन लो, ये अंगूठी तो मेरी ही उंगली में जाएगी और तुम जिंदगी भर मेरे गुलाम बनकर रहोगे। वो तो मैं हूँ, पर तुम्हारा धागा कहाँ है? हाँ? हाँ? नहीं है, कहाँ गिर गया? ऐसा नहीं हो सकता। लक्ष्मी, लक्ष्मी। अर्जुन तुम कुछ मत बोलो, मैंने तुम्हें बताया था ना मेरा सपना, देखो क्या हो गया। लक्ष्मी रिलैक्स, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। हाय अर्जुन। हाय। देखो। बन गया। लक्ष्मी हमारे रिश्ते की ताकत हमारा प्यार है। कोई धागा है सपनों से तोड़ नहीं सकता। अरे अर्जुन, लक्ष्मी रोमांस तो सारी जिंदगी चलता रहेगा, चल के पेट पूजा करते हैं ना। अरे सौम्या, तुम इतना लेट कैसे आई? सारी रस्में खत्म हो गई। वैसे अच्छा ही हुआ तुम लेट आई, बड़ी बोरिंग रस्में थी क्योंकि रेणुका ने ऑर्गेनाइज की थी ना। दादी, मैं सारी रस्में देखना चाहती थी, बहुत मन था मेरा, पर कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स साइन करने थे इसलिए देर हो गई। तो शादी कर ले, रस्में सिर्फ देखने ही नहीं करने भी मिलेंगी। आजकल अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं दादी? सीधी नजर है मेरे पति पर, आंखें फोड़ दूंगी दोबारा देखा तो। लगता है गैस खत्म होने वाली है। विशाल जी, सिलेंडर खत्म होने वाला है, आप प्लीज आते वक्त भरवा लीजिएगा। और हाँ, मकान मालिक ने बिजली का बिल दिया है, पर इस बार हम 3 तारीख को ही भर देंगे, ठीक है ना? सरस्वती, ये देखो, इस महीने की तनख्वाह से तुम्हारे लिए ये खरीदना है। अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही है ना जैसा हमने मुंबई की होटल में देखा था। हाँ उससे थोड़ा छोटा है पर अच्छा है। तो खरीद ले। विशाल जी, इस महीने तो बिल्कुल नहीं, आपको पता है ना
लक्ष्मी की शादी में पहले ही बहुत खर्चा हुआ है। अरे क्या खर्चा किया हमने सरस्वती, वहां लोग लाखों करोड़ों रुपए जुए में उड़ा रहे थे और हम 5,000 रुपए का गिफ्ट देकर आ गए। पता नहीं उन्होंने खोलकर देखा भी होगा या नहीं। विशाल जी, आप बार बार अर्जुन के परिवार की बात सुनकर इतना चिढ़ क्यों जाते हैं? आप हैं और वो लोग। आप देखिए ना, किसी का ऊंचा माथा देखकर हम अपना माथा तो नहीं फोड़ सकते ना। और आप ही तो कहते हैं हमें जो कुछ भी पाना है अपनी मेहनत से, और वैसे भी हमारे पास जो कुछ भी है उससे मैं बहुत खुश हूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं खुश नहीं हूं सरस्वती। मैं भी तुम्हें दुनिया के सारे ऐश आराम देना चाहता हूं और खुद के लिए भी बहुत कुछ करना है। अभी भगवान दे या ना दे, लेकिन मैं हासिल कर रहूंगा। अर्जुन सर, आपको और सौम्या जी को बड़े साहब ने स्टडी में बुलाया। ससुर जी ने अर्जुन और सौम्या को एक साथ क्यों बुलाया? मुझसे तो पहले ही नाराज है, क्यों बुलाया होगा? Oh, come, please. Welcome. जी डैड। सौम्या दीवार, डॉटर ऑफ मिसेस शीला दीवार एंड योर फ्रेंड। तुमने इतनी बड़ी बात मुझे अब तक नहीं बताई। They are our priceless stakeholders. Actually, वो डैड शादी थी तो मैं। अंकल, अर्जुन तो आपको बताना चाहता था पर मैंने ही उसे रोक लिया, ये कहकर कि शादी के बीच बिजनेस की बात ना करे। मैं बिजनेस और दोस्ती को मिक्स नहीं करती। गुड, स्मार्ट थिंकिंग। इसीलिए मैंने तुम्हें हमारे नए प्रोजेक्ट में हमारे साथ इन्वॉल्व होने के लिए बुलाया है। थैंक यू अंकल। यू वेलकम गर्ल। इतनी टेंशन क्यों कर रही है? कहाँ खो गई थी? कुछ नहीं दादी, वो अच्छा इधर बैठ जा। बैठ बैठ। आप बता क्या बात है? जब से वो धागा टूटा है तू बहुत टेंशन में है, ऐसा क्या है? दादी ना चील की नजर रखती है, सब देख लेती है। बताना क्या बात है? दादी, बुआ ने कहा था धागा टूटना बहुत बड़ा अपशकुन होता है। कमाल है, तू इतनी पढ़ी लिखी लड़की ऐसी बातों में बिलीव करती है? सच है दादी, और आज सुबह वो सपना देखने के बाद तो मैं। सपना? कौन सा सपना?
इसमें ना तेरी कोई गलती नहीं है। जहां प्यार होता है ना, वहां पजेसिवनेस तो अपने आप आ जाता है। तुझे पता है, ऐसे उठपटांग सपने मैंने अपनी जवानी में बहुत देखे। एक बार तो मैंने भी देखा कि तेरे दादा ससुर ने दूसरी शादी कर ली है, हनीमून पे चले गए और बच्चे भी हो गए, सपने में बच्चे भी पैदा कर दिए। देख, तू अगर फोर्स करेगी ना तो भी मेरा पोता तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मैं जानती हूं उसे, वो बहुत कमिटेड है बेटा। अच्छा, ये सब चिंता छोड़ और अपनी शादी की जिंदगी के मजे ले। और सुन, बाहर के लोग आए हैं, अंदर जाके अपना मुंह और मूड दोनों ठीक करके आ। ओके, बाय। दादी कुछ भी कहे, लेकिन इस सपने ने तो मन में भूकंप मचा दिया है। पता नहीं क्या बातें चल रही होंगी इस स्टडी रूम में। तुम आज ही मेरे साथ ऑफिस चल के मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मिल लो। और बरखुरदार, आपकी शादी हो गई है तो आई होप तुम आज से हमारे साथ ऑफिस चलोगे। जी डैड। गुड, तुम अभी जाकर चेंज कर लो, हमें 10 मिनट में ऑफिस के लिए निकलना है। ओके। अंकल, मैं होटल से अपना लैपटॉप पिकअप करके आप लोगों को ऑफिस में डायरेक्टली मिलती हूँ। ओके? होटल? तुम होटल में रह रही हो? जी, वो यहाँ मेरा घर रेनोवेट हो रहा है ना, एक हफ्ते में रेडी हो जाएगा, देन आई विल शिफ्ट इन। इतना बड़ा घर होते हुए तुम होटल में रुकोगी? नो नो अंकल, मैं आपकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। ओह कम ऑन सौम्या, योर फैमिली, तुम अर्जुन की दोस्त हो, और अर्जुन, तुम्हें पता है कि वो होटल में रह रही है और तुमने उसे रहने दिया? अंकल, मैं... नो मोर आर्ग्यूमेंट सौम्या, आई इंसिस्ट, तुम्हें हमारे साथ रहना ही होगा। गुड, अर्जुन, सौम्या को कार तक छोड़ के आओ। अब नहीं अंकल, मैं चली जाऊंगी। अर्जुन। जी जी डैड। थैंक्स अंकल। रेनुका, तू यहां खड़ी है, मुझे अपनी फ्रेंड से मिलवाना था तुझे। ये क्या, तू इतनी टेंशन में क्यों है? अरे सुबह की बात तो मैं समझ सकती हूँ कि तुझे कंगन की टेंशन थी, अब क्या? आहा, मैं तो भूल ही गई, तेरी तो शक्ल ही ऐसी है, रोंदड़ी। क्या माँ, मैं तो लक्ष्मी की बातों के बारे में सोच रही थी। लक्ष्मी की बात? कौन सी बात? क्या माँ कौन सी बात, आप नहीं जानती, वो सपने वाली बात। पर उसको लेके तू क्यों टेंशन ले रही है? माँ, आपने तो उसका मन बहलाने के लिए कह दिया, लेकिन आप जानती है वो सपना उसने सुबह सुबह देखा था, और सुबह के सपने हमेशा सच होते हैं माँ। सच्ची? तो जो सपना मैं इतने सालों से देख रही हूँ वो सच क्यों नहीं हो रहा है? कौन सा सपना माँ? यही कि तू अपनी बैग लेकर हमेशा के लिए अपनी मायके चली गई है। आप भी ना माँ। अरे जैसी सास वैसी बहू। अभी लक्ष्मी तो बच्ची है, अभी अभी उसकी शादी हुई है, उसकी इनसिक्योरिटी तो समझ में आती है, पर तू ऐसे कैसे सोच सकती है? क्या तू अपने बेटे अर्जुन को नहीं जानती? क्या अर्जुन ऐसा कर सकता है?
या लक्ष्मी ऐसा होने दे सकती है? नहीं ना, फालतू की टेंशन ले रही है। चल अर्जुन, अंकल को तो मैं मना नहीं कर पाई, पर मुझे अब भी ऐसा लगता है कि मुझे होटल में ही रहना चाहिए। तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है और सौम्या, मेरी शादी हो गई इसका मतलब ये नहीं कि हमारी दोस्ती खत्म हो गई। तुम मेरी दोस्ती और हमेशा रहोगी। थैंक्स, और सॉरी भी। सॉरी किस लिए? अपने बचपने के लिए। पता नहीं क्यों जब तुम्हारी शादी की खबर सुनी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। ऐसा लगा कि मैं कुछ खो रही हूँ और सब कुछ छोड़कर पागलों की तरह यहाँ भागकर चली आई। I'm sorry अर्जुन, I'm really sorry। उस दिन मैंने जानबूझकर लक्ष्मी के जैसा शादी का जोड़ा भी पहन लिया, बट अब मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी तुम दोनों को साथ देखती हूँ तो मुझे यकीन हो जाता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। और वो चर्च वाली आंटी झूठी साबित हुई। सौम्या, अर्जुन प्लीज मुझे माफ कर दो। सौम्या, वो दोस्ती क्या जो गलती ना करे। प्लीज तुम ये सब भुला दो, मैं भी भुला चुका हूं। अर्जुन तुम जाओ, मैं खुद चली जाऊं। okay. पता नहीं शिव जी क्या खुसुर पुसुर चल रही है दोनों के बीच। कहीं ये अर्जुन को फुसलाने की कोशिश तो नहीं? कितनी भी कोशिश कर ली कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अर्जुन मुझसे और सिर्फ मुझसे प्यार करता है। हाय लक्ष्मी। हेलो। मैं भी ना, धनी मेरा दिमाग कहाँ है, तुम्हें बाय बोले बिना ही जा रही थी। आप जा रही हैं? हाँ जा तो रही हूँ, पर अपना सामान लेकर यहीं आ रही हूँ। क्यों? मेरा मतलब, अच्छा अर्जुन ने बुलाया तो मैं यहीं आ रही हूँ। बाय। क्यों कह रही थी ऐसा सौम्या जी? क्यों आ रही है वो हमारे घर? कहीं मेरा सपना? तुम अब तक अपने सपने से बाहर नहीं निकली। लक्ष्मी, जानती हो कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। I'm sorry. It's okay. लेकिन ये हंस हंस के क्या बातें हो रही थी? और वो तुमसे हाथ क्यों मिला रही थी? और ससुर जी ने उसे क्यों बुलाया? इतने सारे सवाल, तुम तो पक्की पत्नी बन गई हो, पर मुझे मेरा पति सुख नहीं मिला। अरे बाबा, पति सुख भी मिल जाएगा, 3 महीने की तो बात है। तुम भी ना घूम फिर के एक ही बात पे आ जाते हो। पहले मुझे ये बता, ये माजरा क्या है? कुछ नहीं है, सौम्या की कंपनी हमारी कंपनी में ऑलरेडी 15% के स्टेक होल्डर्स है। डैड इसी बारे में बात करना चाहते थे, और वो यहाँ रहने इसलिए आ रही है क्योंकि जब तक उसका घर रेनोवेट नहीं हो जाता, डैड चाहते हैं कि वो यहाँ हमारे साथ रहे। हमारे साथ? हाँ।
हम क्यों घबरा रही हैं? सोमया सिर्फ इस घर में रहने आ रही है। मेरे दिल में तो तुम ही रहती हो और मेरे दिल से तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता। अर्जुन, यू आर लेट। हमें मीटिंग के लिए ऑफिस पहुंचना है। जी डैड, मैम बस चेंज करने जा रहा था। नमस्ते पापा। ना धीरता ना रे